नाम मोहम्मद अफजल खटक है। फैंसी बर्ड्स का शौक है वो तो बचपन से ही था, स्कूल टाइम से, लेकिन पहले बस इतने ज़रा ये चीज़ें थी भी इधर कम, वसाइल भी कम थे। तकरीबन हमने ये मुझे 7-8 साल हो गए फैंसी बर्ड के, और सिर्फ फैंसी पिजन कुछ तो इनमें जो है ना ये बाहर की मुमालिक से आई हुई हैं, और कुछ जो है वो हमारी अपनी होम ब्रीड है। और ये मेल है, ब्लू पार्ट का मेल है, ये मेरी होम ब्रीड है विद माई नेम रिंग, और इसके ये 2020 अभी एक साल का नहीं हुआ। ये हमने आगे पाक पी के 012 सीरियल नंबर है इसका। ये मेरे होम ब्रीड का मेल है, ये भी इसकी एज एक साल नहीं हुई, लेकिन ये अभी ब्रीड कर रहा है माशाल्लाह। ये जब 8 माह के होते हैं ना, सजाइश से लेकर 8 माह तक, 8 माह के बाद ये अपनी ब्रीड स्टार्ट कर देते हैं। ये सिल्वर पॉइंट का मेल है, ये भी मेरे होम ब्रीड का मेल है, ये इसको भी मेरे नाम का रिंग होगा। ये आप देख रहे हैं, ये भी वही 2020 का। ये अच्छा जो रिंग है इनमें 6 कलर हैं इंटरनेशनल, ये 6 सालों के, जैसे अभी 2020 की जो रंग था वो इसमें ग्रे था, 2021 का वाइट है, इसी के साथ इनके 6 कलर हैं। ये भी मेरे इसमें क्या फर्क क्या है रंग, इसके कलर में क्या फर्क आता है? नहीं, हर साल में एक रिंग होता है, अभी 2020 के जितने भी बर्ड होंगे वो उनको रंग व्हाइट होगा, रिंग का कलर है वो सफेद होगा, ग्रे होगा, वो ग्रे होगा। अब 2021 आ रहा है, 21 का स्टार्ट हो गया, 21 के रिंग व्हाइट होंगे। वो ये 6 इंटरनेशनल कलर हैं, अभी हमने इस चीज को फॉलो किया है कि पिछले 1-2 साल से हम कह रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं हम उनको फॉलो करें। तो जो NPA है उसके लिए और जो एसोसिएशन हैं इंटरनेशनल, उनकी तरफ से ये 6 रंग फिक्स किए गए हैं। ये हर साल का एक कलर होता है, और एक कलर जो है वो 6 साल बाद रिपीट होता है। इनमें कुछ बर्ड ऐसे हैं जो हमने हमारे पास बाहर के मुल्कों से हैं, अब जैसे ये ब्लू सेल्फ है, ये ओमान से आए हैं, तो इसका रिंग बाहर का होगा, इसका रिंग बाहर का होगा। ये भी 2020 का बर्ड है, देखें ये भी इसका रंग भी ग्रे ही है। इसके ऊपर आपका नाम नहीं लिखा हुआ, ये बाहर के बर्ड, बाहर का। ये जो बर्ड है ये बर्ड सर्बिया का है, बहुत मशहूर एक ब्रीडर है, ड्रैगन का है उसका है, ये देखें SRB 2018 का ये बर्ड है। अभी ये बर्ड चाहे पाकिस्तान में चाहे जहाँ भी है, ये नाम उसी मुल्क का चल रहा है। प्राइसेस जो हैं इनकी वो रंगों के हिसाब से, और जो फिर इनकी जो ब्लड लाइन है उस हिसाब से, फिर इनकी एज के हिसाब से वेरी करती हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं, ये होम ब्रीड की फीमेल है वाइट, ये अभी फुल जान है, ये ब्रीडर है, ये सिंगल फीमेल 40 से 50 हज़ार रुपये की है, और सेम अगर इसके साथ मेल भी हो, ये पेयर हो, वो 70-80 से लेकर 1 लाख तक हैं। इससे ऊपर के भी पेयर हैं, और जो बहुत टॉप के ब्रीडर हैं या जो एग्जीबिशन में जो चैम्पियन होते हैं उस तरीके से। ये सिल्वर का पेयर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी इसी रेंज में है, 70-80। ये सामने ब्लू पॉइंट देख रहे हैं आप, 60-70। ब्लैक सेल्फ जो है, अच्छा उसमें ना क्वालिटी हैं, ब्लैक सेल्फ की जो अभी इसकी जो पमोज हैं, जो इसके पाँव के जीप के पार हैं, वो सब निकाले हुए हैं, अब ये मोल्टिंग में है। जो ब्लैक सेल्फ में जो अच्छा पेयर है वो तकरीबन 1 लाख की रेंज में है, और ये ब्लू सेल्फ हैं, ये थोड़ा रेयर कलर हैं, ये भी तकरीबन इसी रेंज में है। ये ऊपर आप गिरजल देख रहे हैं, ये थोड़ी सी यहाँ पे इनकी मार्केट कम है, 40 से 50 हज़ार। ये साथ की ये ब्लैक टेल बैठे हुए, ये भी तकरीबन 40 से 50 की रेंज में है। तो ये साथ आगे फिर ब्लैक पाइड है,
60 की रेंज में ये पेयर है। मतलब यहाँ पे आपको जो बड़े पेयर हैं ब्रीडर वो 50 से कम नहीं है, चाहे कोई भी हो, इसी कलर में भी हो, वो 50 से कम नहीं है। जो उनके आगे फिर चिक्स होते हैं आप कह लें, अब 1/3 कह लें, 1,00,000 रुपए का पेयर है, तो जो चिक्स जो खुद खाने पीने के काबिल हैं, जो खुद उड़ रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, सेल्फ हो गए, वो 1,00,000 रुपए के जो पेयर है चिक्स 30 से 40 हजार की होती है। पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन इसको वही लोग कर सकते हैं जिनको इसका थोड़ा सा शौक भी हो, क्योंकि इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर बंदा नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल सफाई सुथराई इनकी, इनको वक्त देना, टाइम पे खाना देना, पानी इनका टाइम पे चेंज करना, गर्मी का इंतजाम, ठंड से बचाना, हवा से बचाना, इनके लिए एनवायरनमेंट इनको देना, बाप का हो, सूरज की रोशनी इनको लगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी इनका शौक है फिर आप इसको कर सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। मास्क पहनना क्यों जरूरी है यहाँ? मास्क पहनना भी आप जब भी अपनी लॉक में देखेंगे, छोटे छोटे पर ओढ़े होते हैं, आप शायद वीडियो में आ रहे हैं, इससे फिर एलर्जी आपको हो सकती है सांस की। वैसे भी आप इनकी डस्ट से बचाव के लिए मास्क आप इस्तेमाल करें। एज ए पेरेंट्स जो है ये फॉर्म अच्छे पेरेंट्स में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि मफ जो है जो फॉर्म पर होते हैं बहुत बड़े होते हैं, तो जब ये हेचिंग, अच्छा ये जो पिजन्स हैं ये मेल और फीमेल दोनों हेचिंग करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ फीमेल बैठी रही और मेल नहीं बैठी, ये चेंज होते रहते हैं। तो चेंजिंग के दौरान क्या होता है कि इनके मफ जब बहुत हैवी होते हैं तो वो अंडे इनके टूट जाते हैं या फिर अच्छी फीड नहीं जाते बाद का। ये और कबूतर होते हैं, इनको हम एज ए पोस्टर इस्तेमाल करते हैं। एक अब इसके नीचे जो है ना, ये बच्चे पढ़ रहे हैं सिल्वर के, ये देखें हैं ये बच्चे हैं। इनकी एज तकरीबन 3 हफ्ते होने वाली है, मज़ीद 3 हफ्तों के बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे पेरेंट्स से, खुद खाना पीना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए आप, ये बच्चे हैं, ये इनकी एज 6 से 7 हफ्ते की एज है, तो ये इंडिपेंडेंट होंगे, खुद खाते पीते हैं। लेकिन इनको अगर आप ओपन छोड़ेंगे और बर्ड में तो वो इनको ज़रा तंग करेंगे खाना पीने में, इसलिए हमने इनको फिलहाल इधर अलग रखा हुआ है। जब कबूतर का बच्चा अंडे से निकलता है पहले 3 दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और उसके बाद जब ये बच्चे सेल्फ होते हैं, सेल्फ होने का बाद 1 महीना, इनमें जो डेथ रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, पहले 3 दिन और पेरेंट्स से अलग करने के बाद 1 महीना। अच्छा ये नहीं कि अभी इस पेयर ने आज अंडे दिए तो आपने उठा के रख दी तो वो इसको हैच करना शुरू कर देगा, नहीं। जब इसने भी आज अंडे दिए, फॉस्टर पेयर ने भी आज ही दिए, या 1 दिन का गैप मैक्सिमम हो, तो फिर ये ऊपर बैठते हैं। 21 दिन तक ये अंडों पर बैठते हैं, 22 हो सकते हैं, 30 दिन उठ जाते हैं, या अगर 20 दिन
से निकल आए। तो अच्छा, इनके अंदर ना ये वायरस परिंदा है जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जो कहते हैं पिजन मिल्क, जो पहले हफ्ता 8-10 दिन तक इसकी यहाँ पे एक मादा एक बनता है, तो वो जैसे वो तकरीबन 19-20 रोज वो इनका वहाँ पे तैयार होता है। अगर उससे पहले बच्चे निकल आए, मतलब आपने ऐसे कबूतर कंडे जितनी जो ऑलरेडी 5-6 दिन से एज हो रहे हैं, तो अगर इनका वो मादा नहीं बना हुआ, पिजन मिल्क नहीं बना हुआ, तो वो इनको नहीं देंगे, जिससे वो आपकी जो न्यू बेबीज हैं वो नहीं ग्रो कर सकते। ये उनकी दवा एक है PC1, ये इसके लिए एंटी के लिए। इस तरह 1 से 20 तक उनकी दवाएं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए हैं, तो ये आप साथ साथ ज़रूरी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा मुख्तलिफ मल्टी विटामिन है, अमीनो फोर्ट है, ये जर्मनी की मल्टी विटामिन है, इसमें 50% जो है वो B12 है, जो कि ब्रीडिंग में एग्स फर्टिलिटी के लिए जो बेसिक है वो अदा करता है। मौसम चेंज हो रहा है, गले वगैरह खराब के लिए ये टैलोडॉक्स है, ये भी जर्मनी की डैक कंपनी की, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इलावा इसके अलावा भी लोग बहुत से इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ें साथ साथ आप इनको करनी है। खुराक जो इनकी है मुख्तलिफ चीज़ें आपको आ रही हैं नज़र, बाजरा है, गंदम है, सूरजमुखी है, कुर्तम है, मकई दाल, मोठ, मूंग की दाल, काले चने हैं, और इसमें भंग दाना है, इसमें और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक मुट्ठी जो है, एक मुट्ठी इसमें जितने दाने आते हैं एक कबूतर के लिए 24 घंटे के लिए ये काफ़ी, ज़्यादा करेंगे ऐसे फेंक देंगे, इधर उधर कर देंगे, इससे कम करेंगे तो फिर वो भूखे रह जाएंगे। लेकिन जिनके बच्चे हैं उनको आपको एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी, तो वो उनको भी फीड करवाते हैं। नॉर्मल जो भी आपके बर्ड हैं, एक मुट्ठी भरे हैं ऐसे, एक बर्ड के लिए ये मुट्ठी 24 घंटे के लिए काफ़ी। लकड़ी जो है ये है कि गर्मी में गर्म नहीं होती और सर्दी में ठंडी नहीं होती, बस जो लोहा है वो गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है, इसके ऊपर बर्ड बैठ नहीं सकता, तो ये जब इधर बैठेगा तो वो वाला बर्ड को तंग नहीं कर सकता, उसका जी है जब इधर वो प्रॉपर फासला रखा हुआ है, फासला रखे हुए है ताकि आपस में लड़ाई ना करें, खुल के बैठें। और इनके लिए ये हवा जो है, वेंटिलेशन और धूप, ये बहुत ही मस्त है। गर्मी में तो हर 2-4 रोज के बाद, और सर्दियों में कम से कम 10-12 रोज के बाद आपने इनको बाथ के लिए पानी लाजमी देना है, ताकि ये नहाए। अब ये सब अक्सर जो है मैं बोलने जब नहाए हैं, अब ये सब ये बैठेंगे, ये धूप अपने आप खुश करेंगे, उससे ये ज़रा एक्टिव हो जाएंगे। तो हमने ये फिर एक पाकिस्तान पोमेरियन क्लब के नाम से एक पोमेरियन का एक क्लब बनाया है, और उसमें हम ये है कि हमने फिर क्लब के नाम के रिंग बनवाए हैं, और ऑल ओवर द पाकिस्तान हमारे पास अब तक तकरीबन 57 मेंबर्स में रजिस्टर्ड हो चुके हैं,